हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, एंड आज का हमारा टॉपिक है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या चीज़ है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके रोल क्या हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है, वो पढ़ते हैं क्या होता है। ये एक वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वॉलंट्री एसोसिएशन का इधर मतलब क्या है कि वॉलंट्रली यानी अपनी इच्छा से कुछ लोगों ने इसे बनाया हुआ है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बैंकर्स, ब्रोकर्स, उन सब लोगों ने मिलके वॉलंट्रली अपनी इच्छा से इसे बनाया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई है, अपने मेंबर्स के लिए, अपने बिजनेस की भलाई के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, यानी किस लिए बनाई गई है, ताकि बिजनेस का, बिजनेसमैन लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको जो है उनके वेलफेयर में काम किया जा सके। रिप्रेजेंट सब बिजनेस कम्युनिटी, और ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चाहे वो कोई भी रीजन का बिजनेस हो, चाहे कोई भी टाइप की इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप का ट्रेड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड हो, चाहे सर्विसेज में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, उन सबको रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पढ़ते हैं अब इसके फंक्शंस के बारे में, इसके क्या फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन है रिप्रेजेंट्स बिजनेस कम्युनिटी, यानी ये बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी हर एक बिजनेसमैन उठ उठ के अपनी तरफ से बात नहीं बोलेगा गवर्नमेंट के आगे, बल्कि हर एक बिजनेसमैन के बदले ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट के आगे या किसी भी कम्युनिटी के आगे अपनी बात रखेगी, ठीक है। और बिजनेसमैन लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है, हर एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचाना किसका काम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी हर एक बिजनेसमैन उठ के बार बार गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, कोई भी मुद्दा उठाना होगा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हर एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम को पहुंचाएगी गवर्नमेंट के पास। एक्टिंग एज अ स्पोक्समैन, इसका मतलब है बिजनेस कम्युनिटी, यानी हर एक बिजनेस जो है मैन नहीं बोलेगा बिजनेसमैन के बदले, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है कोई भी बात कहनी होगी उसकी बात हर इंसान के सामने, गवर्नमेंट के सामने कौन रखेगा, ये ही रखेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। या फिर अगर कोई लॉज, लेजिस्लेशन में कोई अमेंड करना है, कोई ऑल्टरेशन या चेंजेस लाने हैं जिससे कि बिजनेसमैन का भला हो, बिजनेसमैन के फेवर में कोई भी चेंजेस लाने हो, तो यही जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिजनेसमैन के बदले खुद जाके गवर्नमेंट के आगे ये बात बोलेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग डिस्प्यूट्स, यानी अगर कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के बीच में कोई डिस्प्यूट, झगड़ा वगड़ा होता है, तो उसको सुलझाने का काम इसी का है। नेक्स्ट इज सेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, यानी बिजनेसमैन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडलाइंस, लॉज वगैरह बनाने का किसका काम है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फैसिलिटेट्स फॉर एजुकेशन एंड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी अगर कोई भी बिजनेस में कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है, कोई भी नई चीज आ रही है, किसी भी टाइप का डेवलपमेंट आ रहा है, तो अपने मेंबर्स को बताने की जिम्मेदारी, हर एक बिजनेसमैन को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है। नेक्स्ट इज अरेंजिंग सेमिनार्स एक्सेट्रा, यानी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स वगैरह अरेंज करती है ये, ताकि जो इसके मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर सके और एक दूसरे के व्यूज एक्सचेंज कर सके, आपस में बातें शेयर कर सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी ये क्या करती है, एक स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट बना के रखती है ताकि हर एक मेंबर तक क्लासिफाइड यानी सेपरेट एक रिपोर्ट पहुंच जाए, जो भी उसके काम की रिपोर्ट है। नेक्स्ट है आपका रोल क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। सबसे पहला रोल है ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपने शायद नाम सुना होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फिक्की की बात यहाँ की जा रही है। तो ये किस चीज में हेल्प करती है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी अगर आप गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं तो उस चीज में हेल्प करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी कुछ हेल्प करता है, हाईवेज, रोड्स वगैरह बनवाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस चीज में काफी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हाईवे अच्छे होंगे तो आराम से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स लेके जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के,
है ना, अगर हाईवे बने ही नहीं होंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से किन किन गांवों में से कितने दिन में जाके आपका सामान पहुंचेगा, है ना। सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स, तो सेल्स टैक्स और वैट को लेके भी काफ़ी जो है कैसे हेल्प करता है, इट गिव सजेशंस टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसीज टू हार्मोनाइज सेल्स टैक्स एंड वैट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। यानी ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है, सजेशंस देता है कि भाई हर एक स्टेट में सेल्स टैक्स या वैट जो है वो सेम होना चाहिए, वरना क्या होगा अगर सपोज किसी स्टेट में सेल्स टैक्स या वैट बहुत ज्यादा है तो वहां पे गुड्स महंगे बिकेंगे, है ना। टैक्स ज्यादा होगा तो गुड्स महंगे बिकेंगे, और किसी स्टेट में अगर सेल्स टैक्स कम है तो गुड्स सस्ते बिकेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे, आए इस स्टेट में तो इतने महंगे मिल रहे हैं, इस स्टेट में इतने सस्ते मिल रहे हैं, चलो अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट भागो, वहां से सामान खरीद खरीद के लाओ, अपनी स्टेट से मत खरीदो, ऐसा सिस्टम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज लोस टू चेक वेट्स एंड मेजर। अभी कभी कभी क्या होता है, दुकानदार क्या करते हैं, वेट में या फिर चीजें नापने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, कस्टमर के साथ फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो जो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है भाई कैसे पॉलिसीज बनाए जाए, कैसे लॉज बनाया जाए, ठीक है, कैसे कानून बनाया जाए, ताकि ये जो दुकानदार वगैरह हैं ये वेट में या मेजर में गड़बड़ी ना कर सके, या डुप्लीकेट ब्रांड नकली ब्रांड स्टार्ट ना कर सके। अगर कोई ऐसा करे तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कंज्यूमर्स यानी हम लोगों की भलाई के लिए भी वो काम करती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए तो भला करती ही करती है, हम लोगों का भी भला करती है वो ये सब गवर्नमेंट की हेल्प करके। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करती है गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट, हाथ मिला लेगी और जो है क्या करेगी, रोड्स बनवाएगी, रेलवे स्टेशन वगैरह बनवाएगी, हाईवेज बनवाएगी, ताकि क्या हो, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आराम से अपने गुड्स लेके जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प्स इन मार्केटिंग, यानी फिक्की और क्या चीज करती है, एग्रो प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चरल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग में भी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, यानी गुड्स जब मैन्युफैक्चर होते हैं तो जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। तो ये क्या कोशिश करती है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट, सबकी जो है ऑलमोस्ट एक जैसी एक्साइज ड्यूटी हो, ताकि गुड्स जो है इतने महंगे भी ना हो जाए कि कस्टमर अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेबर लेजिस्लेशन, इसका क्या मतलब है, ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है, हेल्प करती है लेबर लॉज बनाने में, वेजेस एक्ट बनाने में, कॉम्पेंसेशन एक्ट बनाने में, क्योंकि भाई जो लेबर है उसका भी तो ध्यान रखना है, वो इतना काम करती है ना, तो वेजेस एक्ट वगैरह बनवाने में, ताकि उनको जो है फेयर वेजेस मिले, इस चीज में भी हेल्प करता है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।